हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस, स्टैंडर्ड 5th, सब्जेक्ट जीके। तो बच्चों, आज आपको लगेगा कि मैम बुक से क्यों पढ़ा रही है। ये मैंने क्वेश्चंस खुद बनाए जीके के, तो आपको ये फॉलो करना है, जो उसके आंसर है वो आपको लर्न करना है। ओके, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चंस सम जीके के सब्जेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे है फर्स्ट हेडिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन से जो आपने देखा होगा आपकी बुक में आया हुआ है, हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया की जो फर्स्ट कौन वुमन थी, जो हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। तो हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपके जीके के बुक में आया था ना बच्चों, जो फोटो में मैंने दिखाया था कि इंदिरा गांधी जो है फर्स्ट वुमन है हमारे इंडिया की, जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। जैसे कि हमारे अभी प्रेजेंट में है PM नरेंद्र मोदी। ओके, तो वैसे वो भी एक इंडिया की फर्स्ट वुमन थी, जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। ओके, तो आपको कोई पूछे कि हमारे इंडिया के जो फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर कौन थी इंडिया की, तो आपको ये याद रखना है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो है फर्स्ट वुमन इंदिरा गांधी। ओके, समझ में आया सबको? तो हमारे फर्स्ट वुमन कौन है इंडिया के, फर्स्ट वुमन जो प्राइम मिनिस्टर थी, वो बड़ा प्रधान बोलते हैं ना उसको हिंदी में, वो है इंदिरा गांधी। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज द, सॉरी यहाँ पे मैंने अलग अलग क्वेश्चन बनाए हैं, तो विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। लार्जेस्ट मतलब कि बड़ा स्टेट, तो राज्य, जैसे हमारा गुजरात राज्य है, वैसे अलग अलग राज्य होते हैं, राजस्थान, गुजरात, ये सब अलग अलग राज्य है, तो उसमें से सबसे बड़ा कौन सा स्टेट है। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। ओके, थर्ड नंबर में देखना है आपको, हाउ मैनी स्पॉक्स इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो ये आपका थर्ड स्टैंडर्ड में आता था, सबसे पहले चैप्टर है सेकंड नंबर का, सेकंड थर्ड नंबर का चैप्टर है, उसमें आपने नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ा होगा, है ना बच्चों? तो आपको याद होगा कि हाउ मैनी स्पॉक्स, तो कितने स्पॉक्स है नेशनल फ्लैग में, तो आपको याद है कि नहीं? तो आपको याद रखना है, कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी स्पॉक्स इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तो कितने वहाँ पे, 24 स्पॉक्स। तो आपको एक बार काउंट करके देखना है कि कितने स्पॉक्स है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे तो मैंने रेडीमेड आंसर दिया है आपको, पर आपको रियल में काउंट करना है। ओके, आपकी बुक में होगा, कहीं पे भी आप ढूंढो तो आपको देखना है 24 स्पॉक्स है हमारे इंडिया के फ्लैग के अंदर। ओके, कितने हैं? 24। फोर नंबर में है, हु कंपोज द इंडियन नेशनल एंथम। तो हमारा एंथम तो आपको याद ही होगा, आप रोज असेंबली में एंथम अटेंड करते हो कि नहीं? करते हैं ना रोज हम नेशनल एंथम। तो हु कंपोज मतलब कि ये किसने जो गाया था ये गीत, किसने बाहर पाड़ा था, तो हमारे कौन थे ये, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये नेशनल एंथम कंपोज किया था। तो कोई आपको पूछे हु कंपोज द इंडियन नेशनल एंथम, एंथम एंथम मतलब कि आपको याद आ जाना चाहिए कि क्या है हमारा एंथम, तो जनगण मना। ओके, तो ये कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, फाइव नंबर में है, हु इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो आपको लगा होगा कि माउंट एवरेस्ट, तो नहीं है माउंट एवरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे है अलग, कंचनजंगा। ओके, क्या है? कंचनजंगा। तो ये है हमारे हाईएस्ट माउंटेन जो हमारे इंडिया में है। ओके, सिक्स नंबर में, व्हाट इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट हमने देखा था नेशनल एंथम, तो आपको ऐसा लगा होगा कि एक ही क्वेश्चन से नेशनल एंथम, तो आपको क्या याद रखना है, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम में क्या डिफरेंस है। एंथम है जनगणमना एंड नेशनल सॉन्ग है, क्या है नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम। ओके, जो हम कब गाते हैं, ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। ओके, तो उसके ऊपर हम ये गाना गाते हैं नेशनल सॉन्ग। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम टीचर ने क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा है नेशनल सॉन्ग के बारे में, और आगे जो था वो नेशनल एंथम था। ओके, तो व्हाट इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो वंदे मातरम। ओके,
सेवन नंबर में है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ। तो हमारे रिवर अर्थ के ऊपर कौन सी जो रिवर है तो बहुत बड़ी है, मतलब कि पूरी अर्थ मतलब कि पूरा वर्ल्ड का क्वेश्चन है ये, नॉट ओनली फॉर इंडिया। ओके, तो यहाँ पे है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ। तो हमारे जो ये पृथ्वी है उसके ऊपर कौन सी इतनी बड़ी रिवर है, द नाइल। ओके, कौन सी है, द नाइल। तो यहाँ पे लिखा है द नाइल। कोई आपको पूछे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ इन इंडिया, नॉट, ओके, तो अर्थ के ऊपर पृथ्वी के ऊपर, ओके, तो कौन सी रिवर है, द नाइल। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पेज में दिखेंगे, तो नेक्स्ट पेज में है एट नंबर में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। तो यहाँ पे एक तो एनिमल होगा ना, जो सारे एनिमल में से कौन सा फास्ट दौड़ता है। तो आपको कोई पूछे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड, जो फास्टेस्ट एकदम फास्टेस्ट रन करता है ना, तो कौन है, चित्ता। तो आपको पता ही होगा कि चित्ता कितना फास्ट दौड़ता है ना, तो यहाँ पे हमारा फास्टेस्ट एनिमल है चित्ता। ओके, नाइन नंबर में है, हु बिल्ट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। रेड लाल किला बोलते हैं ना दिल्ली में, तो ये रेड फोर्ट इन दिल्ली किसने बनवाया था, शाहजहां। ओके, तो यहाँ पे आपको वो पूछे हु बिल्ट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है शाहजहां। ओके, टेन नंबर में है लास्ट क्वेश्चंस, USA व्हाट इज द करेंसी ऑफ इट। तो USA की करेंसी क्या है, जो आप खास करके फिफ्थ वाले आपके बुक में आया था मैथ्स की बुक में कि करेंसी के बारे में पढ़ते हो, तो आपको तो पता ही होगा कि USA व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इट। तो क्या है उसकी करेंसी, मतलब कि अलग अलग पैसे की वो आती है ना, इंडिया का भी अलग होता है, फॉरेन में जो USA अमेरिका उसका भी अलग होता है, तो उसका क्या आएगा, डॉलर। USA का क्या आएगा, डॉलर, वो तो आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने जीके में आपको ऐसा लगा होगा कि मैम ने बुक से क्यों नहीं पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने आप से क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपको याद रहे ऐसे ही है। तो आपको ये क्वेश्चन सेम आपकी नोटबुक में राइट करना है, जब ओरल एग्ज़ाम होगी तब ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपका। तो आपको ये इसलिए लर्न करना है कि कभी भी टीचर ओरल एग्ज़ाम लेगी तब पूछेगी ये क्वेश्चंस। ओके, तो आपको ये क्वेश्चंस एक बार आपकी नोटबुक में सेम राइट करना है जीके की बुक में। ओके, तो जो ये 10 क्वेश्चंस है और लर्न भी करना है। ओके, तो ये है आपका जीके का होमवर्क। तो सेम क्वेश्चंस 10 है, तो उसके नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा आपका वो बुक से आएगा, लेकिन ये आपका ओरल पूछना है, इसलिए मैंने ये खुद क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आपको ये लर्न करना है, नो कंफ्यूज होना है कि मैम ने ये कहाँ से लिख के बता दिए। तो आपको ये खाली लर्न करना है और मेरा वीडियो देख के आपको एक बार सुनना है कि मैम ये क्या बोलती है। ओके, और ये आंसर आपको लर्न करना है। सो ये है आपका आज का होमवर्क जीके का। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।